दोपहर 12:30 बजे के करीब जुनी मंगलवारी परिसर में गंगाबाई घाट रोड पर घनी बस्ती में एक स्कूली वैन में अचानक ही बिजली के तार गिर गए। वैन में 3 से 4 वर्ष के 15 बच्चे थे। अचानक तार गिरने से हड़कंप मच गया, लेकिन सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई है। नागरिकों ने वैन से बच्चों को बाहर निकाला। दरअसल रोड में हाई टेंशन लाइन का बिजली का पोल ट्रांसफार्मर सहित अचानक धराशायी हो गया और साथ ही सीमेंट के पोल भी टूटकर रोड पर गिर गए। इससे महावितरण के मेंटेनेंस कार्य के दाव की पोल भी खुल गई है। नागरिकों ने बताया कि बिजली के 4 पोल गिरे और बिजली के तार टूट गए, 1-2 पोल टेढ़े भी हो गए हैं। ये तो सौभाग्य था कि कोई भी खंभों की चपेट में नहीं आया है, अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बिजली के खंभे से चपेट में आने वाली कार को क्षति पहुंचने की जानकारी नागरिकों ने दी है। पोल गिरने की आवाज से ही नागरिक घरों के बाहर निकले और हड़कंप मच गया। नागरिकों ने बताया कि कई बार विभाग व क्षेत्र के विधायक को जर्जर बिजली के पोल की शिकायत की, लेकिन विधायक निधि से केवल 2 पोल बदले गए। दोपहर को ना तो बारिश हो रही थी और ना ही तेज आंधी चल रही थी, लेकिन गीली जमीन के कारण पोल की नींव ही कमजोर हो गई, जिसके चलते अचानक धराशायी हो गया। ये लाइन के लिए मैं बारंबार शासन को और यहाँ के आमदार को भी पत्र लिखा हूँ और उनको एक 10-15 लोगों की साइन भी दिया हूँ मैंने कंप्लेंट के तौर पर, लेकिन आमदार साहब के निधि में से सिर्फ 2 पोल लग चुके हैं। लेकिन मैं पूरी लाइन और केबल के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। यहाँ से बहुत बड़ा अभी वैन से भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी ये हादसे का शिकार होते हुए बच गए। तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई और ना किसी का मृत्यु हुआ, लेकिन ये अस्त व्यस्त आप देख रहे हैं पूरा जो माहौल है। इसमें अभी 2 दिन तक के तो यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होंगी। यहाँ के लोग बिना लाइन के कैसी रहे कि अभी वही छोटे छोटे बच्चे हैं घरों के अंदर में, पढ़ाई लो वाले लोग हैं, तो शासन ने इसमें दखल देने को होना और जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा करने को होना। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।